नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं यहाँ जिस साइट पर आया हूँ, ये अहमदाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर बरगुंडा गांव है। और यहाँ पर जो इसके जो आर्किटेक्ट है बादल सिंह, इसके इस कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं, इसके जो आर्किटेक्ट है बादल सिंह जी, इन्होंने इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। और यूट्यूब पर जो जितेंद्र भाई साहब है जिनका ये मकान बन रहा है, वो भी काफ़ी सर्चिंग करते रहे कि मुझे कुछ हेरिटेज वर्क चाहिए आपको। और आपके जो कॉन्ट्रेक्टर साहब हैं, इन्होंने भी काफ़ी सर्चिंग की। और सारी सर्चिंग करने के बाद में इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अब स्ट्रक्चर बन चुका है और यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्ट की टीम को बुलाना चाहिए, जो कि इसको एक अच्छा रूप दे सके। क्योंकि पहले भी आपने यहाँ पर जो लोकल 3D डिज़ाइन करने वाले थे या डिजाइनर्स थे, उनसे करने की कोशिश की, बट वो सेटिस्फेक्शन लेवल पर नहीं पहुँच पाए। बट प्लानिंग इसका बहुत अच्छा किया है, क्योंकि भाजी ने जो इसका वास्तु किया है वो काफ़ी अच्छा किया है। मैंने उसको वास्तु चक्र पे भी लगा के देखा है और यहाँ पर मेन्यू यहाँ पर आकर के विजिट भी किया, तो इसका वास्तु बहुत परफेक्ट है। बट इसका जो बाहर का जो एक्सटीरियर लुक है, उसे हमें खूबसूरत बनाना है, तो उसी पर्पज से मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ। कैसे जय सिंह जी, भाई साहब ने हमें इंटरनेट पर सर्च किया और सर्च करने के बाद में आज हमारी यहाँ तक की जो जर्नी रही है, क्योंकि काफ़ी बार आपके जो कॉन्ट्रेक्टर साहब, इनसे हमारी फ़ोन पर बात हुई और काफ़ी दिनों तक चर्चा चलने के बाद में हमने आज यहाँ पर आने का फैसला लिया। और इन फ्यूचर में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है वो हम सारी आपसे जानेंगे, तो भाई साहब प्लीज़ बताइए। पहले तो मैंने सोचा कि एक बड़ी सी हवेली क्यों गांव में खड़ी क्यों ना करवा जाए। बाद में इस वीडियो देखता रहता था, इसमें से इंडियन आर्किटेक्चर का मेरे को वो फेसबुक पे दिखा, तो मैंने सर्च किया कि बड़ी बड़ी हवेलियों का अच्छी तरह से राजस्थानी टाइप डिज़ाइन में जो हवेलियाँ बन रही है उसकी, और इंडियन आर्किटेक्चर बड़ी अच्छी तरह से हवेलियाँ के डिज़ाइन कर रहे हैं। तो बाद में मैं सोचा कि ऐसी एक हवेली मैं भी बना सकता हूँ। और बाद में मैं देखता गया और आज वो समय आ गया है कि मिस्टर शेखावत जी आज हमारे सामने है और हमारी हवेली का जो आर्किटेक्चर का जो एलिवेशन सब वो इनके माध्यम से हो रहा है। बहुत बड़ी खुशी है आज हमें। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी टीम पर इतना विश्वास किया है और आपकी उम्मीदों पर हमारी टीम पूरी तरीके से खरे उतरेगी, ऐसा हम लोगों का सभी का विचार है। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, इसके 3D व्यूज़ जो बन चुके हैं वो देखेंगे कि किस तरह का इसका व्यू हमारे 3D डिज़ाइन करने के बाद में आ रहा है। और जब ये मकान बन जाएगा, मैं एक्चुअल में क्या होता है कि ऑन साइट विजिट और 3D तक ही हम लोग सीमित नहीं रहने वाले हैं। जब ये साइट बन जाएगी, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं इसका एक कंप्लीटेशन वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। आपको देखने के बाद में लगेगा कि हाँ, ये प्रोजेक्ट बन जाने के बाद में इतना खूबसूरत भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारी प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगा कि पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोने से आपके लिए अलग अलग तरह की डिज़ाइन हम लेकर के आए। आज हम गुजरात में आए हैं, तो हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से राजस्थानी पैटर्न न देकर के थोड़ा सा इसमें गुजराती टच भी हम लोग दें, ताकि एकदम से फ्लेवर बिल्कुल चेंज ना हो। इन्वायरमेंट कई बार चेंज हो जाने पर भी मामला ठीक नहीं होता है, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि बेस्ट से बेस्ट इसको डिजाइन करके और आपको आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद।